भारत सरकार की MHA की गाइडलाइंस, वह जो यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के क्रम में जो नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ एरियाज़ हैं जिनमें केसेस हैं, उनको कंटेनमेंट जोन्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिफाइन किया गया है। उन कंटेनमेंट जोन्स के बाहर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप इन सीटू कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हम लोगों ने फ्रेम की हैं। तो जो भी बिल्डर रन प्रोजेक्ट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े यूनिट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, या जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स भी हैं जो अथॉरिटी एरिया में, तो जहाँ लेबर साइट पे अवेलेबल है और कहीं बाहर से नहीं लानी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग रीस्टार्ट करा रहे हैं। तो अभी तक लगभग 7 बिल्डर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी गई है जो ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा अराउंड 6-7 अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम शुरू करने की परमिशन दी गई है। इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो एजेंसी हैं, जो भी बिल्डर्स हैं, जो अलॉटीज़ हैं, उनको जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करना होगा। चाहे वो वर्कर्स की जब काम करते के दौरान पब्लिक स्पेसिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, परिसर को बार बार सैनिटाइज करना है, लंच ब्रेक के दौरान क्या क्या कॉशंस बरते जाने हैं, कोई बाहर से अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो क्या कॉशन बरते जाने हैं, रैंडम वर्कर्स की कुछ मेडिकल टेस्टिंग है रिगार्डिंग कोविड, तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। उन्हीं शर्तों के अधीन ये परमिशंस इन सीटू कंस्ट्रक्शन के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी जा रही हैं। तो अभी फर्स्ट फेज में लगभग 15 परमिशंस आज अभी तक दी गई हैं। तो कुछ और परमिशंस फ्यूचर में दी जाएंगी जो गाइडलाइंस के अनुरूप और नॉन कंटेनमेंट एरियाज में कार्य कर पाएंगे। तो मैम, इसमें क्या मैन पावर को लेकर भी कुछ गाइडलाइन है कि कितने परसेंट लोग उस कंस्ट्रक्शन एरिया में या तो कंस्ट्रक्शन के काम मेन करें? गाइडलाइन यही है कि लेबर बाहर से आना जाना नहीं करेगी, उसी साइट पे ही अवेलेबल रहेगी। तो कंटेनमेंट जोन जो बने हुए हैं केसेस के अराउंड, वहाँ से लेबर नहीं आ सकती है। तो अगर लेबर वहीं साइट पे अवेलेबल है तो जितनी भी लेबर अवेलेबल है उससे वो काम करा सकते हैं। मैम, ये क्या कुछ कितने कब से स्टार्ट है? क्या आप जो बोल रहे थे अभी एक्सक्यूज मी या अभी आपने वो साइट से जिस पे आपने ऑर्डर दे दिया है, तो इससे ये कोई कल गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो 3 को परमिशन कल दी गई थी और बाकियों को अभी तक दी गई है। तो नोएडा अथॉरिटी द्वारा ईमेल एड्रेसेस इशू किए गए हैं, तो उनके माध्यम से लोग अप्लाई कर रहे हैं। निर्धारित ऑफिसर्स को ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं। जो जो भी प्रक्रिया है उसके अनुरूप जो फॉर्म्स आएंगे उनको प्रोसेस करेंगे और परमिशन अलाउ करेंगे। बट इन सीटू कंस्ट्रक्शन और बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ लेबर अभी साइट पे अवेलेबल है और जहाँ ये नॉर्म्स फॉलो हो पाए, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को भी परमिशन दिया गया है, इंडस्ट्री परमिशन ऑपरेशन इन नोएडा अथॉरिटी के एरिया के, और इस पे क्या कहेंगे? इसमें भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसमें जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड हैं, एसेंशियल गुड्स जो बना रहे हैं, तो कुछ कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिनको चलाने की परमिशन दी जा सकती है, और वो परमिशन भी कंटेनमेंट जोन्स के बाहर ही दी जा सकती है। तो उसी को फैसिलिटेट करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वेबसाइट भी बनी है, जिसमें इंसिडेंट कमांडर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SDMs हैं वो चेक करते हैं कि वो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं है। उसके बाद वो अथॉरिटी की तरफ से प्रोसेस होता है कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफाइड कैटेगरी में है या नहीं है, वो एज पर नॉर्म्स है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे परमिशंस दिए जाने का प्रोविजन किया गया है। कल इसकी गाइडलाइंस इशू हुई हैं। लगभग 1,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, 1,000 से ऊपर एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, और उसमें कल इवनिंग से लेट इवनिंग से ये आई हैं एप्लीकेशन। इसमें भी एक ईमेल आईडी भी दिया गया है जिसपे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 1,000-1,200 एप्लीकेशन में से अभी तक लगभग 150 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा चुकी हैं, बाकी सब अंडर प्रोसेस है। इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी अप्लाई कर रहे हैं जो परमिसेबल कैटेगरीज में अभी नहीं हैं, क्योंकि अभी कोविड में स्टैगर्ड वे में लॉकडाउन खोला जा रहा है एंड नोएडा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। तो हर कैटेगरी को नहीं हम अलाउ कर सकते हैं। सिमिलरली कंटेनमेंट जोन्स भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इनएलिजिबल हैं लेकिन उन्होंने भी अप्लाई किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज आप बता रहे थे कि कैटेगरीज हैं कुछ, जैसे स्टील, रसायन, फर्टिलाइजर, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, रिफाइनरीज, उर्वरक, पेपर, चीनी मिल, ऐसे सीमेंट्स हैं, टायर हैं, देखिए तो बेसिकली जो एसेंशियल गुड्स हैं, हाँ फूड रिलेटेड हैं, मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड हैं, हाँ
कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज़ गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन की हैं, जिसमें जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है या मेडिकल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जो भी कैटेगरीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हो रही हैं और स्पेशली रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, उन्हीं में परमिशन दी जा रही हैं। इसमें भी भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई और फिर स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, बिकॉज वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग और कांटेक्ट ना हो, इसीलिए लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे की गई है, और उसी के तहत अगर पब्लिक में, ओपन में, पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग होती है तो उससे वायरस का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंड फ्यूचर में और भी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज से जिनका ट्रांसमिशन बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कल हम लोगों ने नोटिफाई किया है कि नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में अगर कोई भी ओपन एरियाज में, पब्लिक स्पेसेस में स्पिटिंग करते हुए पाया जाता है, तो पहला इंस्टेंस में 500 रुपीज़ और रिपीट इंस्टेंस में 1,000 रुपये का उस पर फाइन किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कल इशू किया गया है।